मुझे बताएं कराची में आप थी जब आप you were growing up, you know, with your parents, आप फैमिली के साथ थी, and I think जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा 80s में last time you were here, फिर उसके बाद आप आती रही हैं काम के लिए, आप लाहौर में बेस्ड हैं. कराची की क्या चीज़ याद है बचपन की, कोई एक अबू बिकॉज अब्बा वॉज इन द एयरफोर्स, हमेशा मैं बताती हूँ सबको समहाउ इट कम्स अप. सो अबू की ना पोस्टिंग होती रहती थी, तो वी वर इन मौरीपुर, देन वी वर पोस्टेड, अबू वाज पोस्टेड चारा फैसल, दीज आर ऑल एयरफोर्स बेसिस, एंड देन इन कुरंगी. सो बचपन का तो आई मीन आई ऑलवेज लाइक एयरफोर्स बेस होते ही एक अलग जिंदगी है, एक अलग माहौल है सब कुछ. बट द थिंग दैट आई लाइक मोस्ट अबाउट कराची वॉज ऑफिस स्कूल था मेरा शारा फैसल पे, यू नो फ्रेंड्स सारे आपके स्कूल डेज के होते हैं, और उन दिनों मुझे सबसे द हैप्पीएस्ट टाइम वॉज इन कराची बिकॉज आई एम अ वेरी स्पोर्टी पर्सन एंड आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई बेसबॉल टीम फॉर 4 years, एंड यू नो मैं बहुत आई वॉज द क्वीन, तो मुझे बहुत मजा आता था दैट. एंड ऑल्सो करंगी में वैन वी वर लिविंग, सो वी हैड अ वेरी बिग हाउस एंड अबू वॉज कमांडेंट एट दैट टाइम, तो हमारा घर था और फिर लॉन था और फिर लॉन के बाद एक जेटी थी और फिर समंदर था. ये मतलब आप किसी सल्तनत में रहे तो मुझे 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 हमें बहुत मैं बहुत शो मारा करती थी स्कूल जाके कि मेरे अब्बू के पास तो एक बहुत बड़ा पैलेस है. आपके स्कूल में बाकी बच्चे भी तो फोर्सेस से ही होंगे? हाँ होते थे, लेकिन सिविलियंस भी होते थे, तो मैं बहुत ज्यादा इस तरह की हरकतें किया करती थी. अब मैं बहुत बेहतर हो गई. अच्छा, तो आप लाहौर में भी रही हैं और आप कराची में भी रही हैं, तो एक छोटा सा आपका हम क्विज कर लें कि हम कुछ वर्ड्स बताएंगे आपको, आपने बताना है कि ये कराची में ज्यादा बोला जाता है या ये लाहौर में ज्यादा बोला जाता है या कहाँ का है. ठीक है, गोलीबाज कराची, सीरियसली बड़ी जल्दी से कराची. कद्दू, कद्दू भी ये कराची है क्या? अबे कद्दू क्या, ये कद्दू कराची होगा, आई डोंट थिंक. लाहौर में मैंने, आई हैवंट हर्ड एनीबॉडी से कद्दू. ओके, हाँ. मेला, मेला इज कराची. टिपिकल ना, टिपिकल. सानुकी, सानुकी इज पंजाब लाहौर. वैसे मेला कहते भी हैं लाहौर में भी, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बड़ा मेला आदमी है अच्छा. कराची वालों का असर हो गया. साईं, साईं साई तो साई साई क्या एग्जैक्ट व्हाट वाज दैट सॉन्ग पे अली गुलबी. हां साई, हां साई की पूछे भी साई. मगरो लथा, मगरो लथा इज पंजाब एंड सो मैं तो प्रोनाउंस भी मगरो लथा, यानी कि मेरे दिमाग से उतरो के मैं जान छोड़ो भी गलत कर रही हूं. मगरो लथा, हां हां, इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी कि ज्यादा बोलूं. ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मैंने लाहौर में भी सुना है, प्रॉब्ली कराची में, बट मैंने ज्यादातर लाहौर इन एनसीए, यू नो पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ी ट्यूबलाइट जो है आपका तो पंजाब. फंटर, फंटर मस्ट बी कराची. यस यू आर राइट. सो हैव यू हर्ड इट इन कराची या बस ऐसी? नहीं, ये बहुत मैंने पहले कहीं किसी को बोलते हुए सुना था. कीकर सुना है मैंने कराची में, यार बहुत कीकर है भाई ये. कीकर इज अ झाड़ी, ये जो नहीं होती जिसमें प्लास्टिक की थैलियां चिपकी हुई होती हैं, अ लॉट ऑफ लाइक दीज झाड़ीज इन कराची. So yeah, लोग किस सेंस में यूज करते हैं कि बहुत चिपकू है, लाइक अगर तुम कहीं जाओ और कोई तुम्हें बहुत चिपक रहा हो तो बोला बहुत ही कीकर बंदा है भाई, तो चिपक ही गया. मोस्टली दैट्स बिकॉज़ यू नो प्लास्टिक की थैलियां चिपक जाती है ना उसके ऊपर जाके. सठिया जाना इज अ वेरी उर्दू वर्ड, तो पागल हो जाने को कहते हैं. आई एम श्योर कराची में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता होगा. वेरी गुड, थैंक यू. फॉरेन, यू डिडंट इवन टेक अ सेकंड. जब आप इतनी उम्र गुजार चुके हो तो ये चीजें आपको वैसे ही पता चल जाती है. अच्छा, मुझे बताएं शहाना का जो कैरेक्टर था, अब आप इफ यू आर हियर, अब हम सुंदर चंदा और शहाना की बात नहीं करें तो ये तो हो नहीं सकता. नहीं, बताओ. वैसे कभी कभी आपको लगता है कि शहाना का कैरेक्टर जो है वो एक आइकॉनिक अल्टीमेट कैरेक्टर हो जाएगा आपकी लाइफ का, आपके करियर का? जब मैंने शाश्ले किया था ना, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल आई डिड सुनो चंदा, आई वाज कॉल्ड मिशी. लाइक वेयर एवर आई वुड गो, पीपल वुड रिमेंबर चिकू मिशी, चिकू मिशी. मैंने इतना काम किया एंड दैट वाज अबाउट 20 इयर्स बैक, यू नो शाश्लिक जो था. सो उसके बाद अब जब से वो जब से सुनो चंदा आया एंड आई डिड शहानाज कैरेक्टर, एवरीबडी कॉल्स मी शहाना नाउ. लाइक मैं कहीं भी जाती हूँ ना शहाना, बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे मिलते हैं और कहते हैं हम आपको शाश्लिक भी देखते थे और अब हमने आपका शहाना वाला भी देखा है. सो शहाना शहाना शहाना, सो लाइक इट्स बिकम लाइक दैट नाउ. आई थिंक पहले इट वॉज मिशी एंड नाउ इट्स शहाना. मुझे लगता है 20 साल के बाद एक नया चीज मिली, क्या पता 20 साल अगर मैं और जिंदा रही तो शायद कोई और चीज आ जाए. तो शहाना की जो ड्रेसिंग थी पूरी और वो जो एक लुक है वो कैसे आई थी, आपका था? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं था. दैट वॉज MD प्रोडक्शंस एंड आई थिंक एसन हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ, उनका था डिजाइनर थी कोई उनकी इन हाउस डिजाइनर, तो उन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरह का होगा, टिपिकल पंजाबी ड्रेसिंग होगी, यू नो, एंड नॉट टिपिकल पंजाबी लाइक लाहौर, बट लाइक फ्रॉम
इंटीरियर थोड़ा सा गाउन साइड का कि यू नो जिस तरह की वो थी वो हमेशा उसी तरह रही है, तो परांदे भी पहनती है और उस तरह के रंग बिरंगी कपड़े भी पहनती है, शी इज वेरी लाउड मेकअप वाइज भी, और उसे बहुत शौक है जैसे पंजाबी मदर्स होती है. अच्छा मुझे ये बताएं कभी ऐसा होता है कि जब आप कह रही थी शहाना का कैरेक्टर तो नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करते करते naturally आपने एकदम शहाना की तरह बात करनी शुरू कर दी? मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, बट यू नो व्हाट, शहाना'स कैरेक्टर इज वेरी मच लाइक मी, लाइक शी वाज वेरी मुफा टाइप, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ऑनेस्ट इन व्हाट गिविंग हर ओपिनियंस, एंड शी वाज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबॉडी. तो वो मेरा नेचुरल भी इसी तरह का है. मैं मुझे बल्कि बहुत हर जगह ये कहा जाता है कि नादिया कुछ भी बोल देती है और ये कुछ भी कह देती है. सो शहाना इज़ वेरी क्लोज टू माई लाइक माई पर्सनैलिटी. तो मुझे बिल्कुल अपनी जैसी था और बहुत सारी चीज़ें मेरी उस कैरेक्टर के अंदर हैं. तो वो होता था कि आप बात करते होता था मुझे बहुत सारे के साथ भी. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुझे कहते हैं तुम ये वाली बात जो है ना शहाना वाली, अब आप तुम शहाना बन रही हो. अच्छा यार सही है. मियां ने कभी बोला हस्बैंड कि बस मैं शहाना को सेट पे छोड़ गया? नहीं 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 नहीं, जोड़ी इज नॉट लाइक दैट. जोड़ी के साथ बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता. जोड़ी को मैं कहती भी नहीं हूँ ऐसी. कभी मजाक में उनसे शहाना बन के बात की? नहीं, जो मैं वैसे ही हूँ उसको तो पता है आई एम लाइक दैट. हर वक्त मैं ऑर्डर दे रही होती जोड़ी ऊपर, तो जोड़ी इज लाइक माई लाइफ सपोर्ट. अच्छा मुझे बताएं शहाना को जब पहली बार आपने स्क्रीन पे देखा तो एक आपके दिमाग में होगा कि ये कैरेक्टर है और मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, लेकिन जब उसको देखा अपने सामने लाइफ में आते हुए तो क्या रिएक्शन था आपने, क्या पहली थॉट्स गई आपके दिमाग में? I don't know, मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, but when I was doing it, I was fine with it. I was just worried कि you know इतने अरसे के बाद I'm doing a Punjabi character, but Ehsan was very helpful and my writer Saima जो थी उनसे भी मैं फ़ोन पर बात करती रहती थी. बट ये कि जब वो हुआ और eventually जब मैंने देखना शुरू किया ना तो फिर मुझे खामियाँ नजर आने की, अच्छा मुझे इसको और ये करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बनावा लग रहा था, ये मुझे नकली लग रहा है, ये कच्ची एक्टिंग थी, इसको थोड़ा पक्का करना चाहिए. बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड एज इट प्रोग्रेस्ड तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यू नो started setting it और वो फिर आपके अंदर ना वो आना शुरू हो जाता है. फिर मुझे वो naturally पता चल गया कि कहाँ. बल्कि जब मैंने पहली दफ़ा नवाकट्टा पढ़ा तो मैंने कहा कि ऐसन मैं ये नहीं बोल रही, ये क्या बकवास लाइन है, और यार ये क्या है. ऐसन ने मुझे कहा यार तुम बोल दो और ये बहुत अच्छी लाइन है और ये तुम्हारा तकिया कलाम होगा, ये हर बात में बोला करेगी नवाकट्टा को. मैंने कहा ऐसन मेरा नहीं ख्याल कि ये वो डायरेक्ट हवलदार वाले दिन है कि यू नो एक जमाना होता था कि पीटीवी के हर प्ले के अंदर हर कैरेक्टर का एक वो होता था, खास जुमला होता था जो कि पक्का हो जाता था, जैसे माचिस होगी आपके पास या फलाना. तो मैंने कहा कि मैंने हाँ तो मैंने कहा कि ऐसन डू यू थिंक, तो ऐसन ने कहा यार जस्ट डू इट, आई एम टेलिंग यू. एंड एट द फर्स्ट टाइम आई सेड इट नवाकट्टा खुल गया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत, आई हैड नो आइडिया, दिस वाज वन थिंग दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट, दैट पीपल वुड रिपीट इट सो मच, देयर विल बी मीम्स अबाउट इट, पीपल वुड लव इट सो मच. So I'm glad I did it. You know, sometimes you have a wrong like perception of something and you think, hey, ये नहीं होना चाहिए. But then it just becomes a miracle. It's become an iconic phrase. You know, मजाक में भी सब इस्तेमाल करते हैं. तो क्या एक चीज़ है सुनो चंदा की you miss the most? What I miss the most? I guess the chaos on the set because you know it was fun because we'd be shooting back to back or hum subah se leke raat tak kaam kar rahe hote and it just became like a family. So I miss the people I worked with, I miss that family, you know, ek tha. और कभी कभी ना मुझे कभी कभी क्या कोई करोड़ों मैसेज दिन में आते हैं, सुनो चंदा थ्री, सुनो चंदा थ्री, सुनो चंदा थ्री, लाइक एंड नॉट ओनली फ्रॉम हेयर, लाइक आई एम अमेज दैट आई गेट, लाइक इफ आई गेट 200 मैसेजेस तो उसमें से 150 इंडिया से होते हैं.